आज की पांच बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आप सबको बताएंगे कि कहां बिका लाखों में वीआईपी नंबर, और आगे इसी खबर में हम आपको बताएंगे कि मनीष सिसोदिया की फिर कितनी बड़ी मुश्किलें, और आप इसी खबर में देखेंगे कि किनके दो गुर्गे हुए हैं गिरफ्तार और उनसे क्या क्या मिला है सुराग, और आपको ये भी बताएंगे कि किस स्कूल के 800 बच्चे भूखे पेट पढ़ने को मजबूर हैं। और यही नहीं, आपको ये भी बताएंगे कि किस हॉस्पिटल को देना होगा 86 लाख रुपए का जुर्माना। जी हाँ, आज के इन खबरों में ये खास है, लेकिन उससे पहले विस्तार से जानकारी हम आपको दें, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं शारदा नारायण हॉस्पिटल, प्रतिबद्ध आपके स्वास्थ्य के लिए, सुपर मल्टी स्पेशलिटी सुविधा न्यूनतम दरों पर उपलब्ध। संपर्क करें शारदापुरम, शहादतपुरा, मऊ, उत्तर प्रदेश। संपर्क 9454868686। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और अपने जीवन में कभी न कभी आप कोई न कोई दो पहिया वाहन या चार पहिया वाहन जरूर लेते हैं, और जब आप वाहन लेते हैं तो आपकी एक हार्दिक इच्छा होती है कि आपको एक अच्छा नंबर, लकी नंबर, वीआईपी नंबर मिल जाए, जिसका लाभ इस समय आरटीओ उठा रहे हैं। आरटीओ इस पर एक बोली का आयोजन किए, जी हाँ, और इसमें बोली के दौरान लाखों रुपए में वीआईपी नंबर बिके हैं। तो ये कहाँ का मामला है, आपको बता दें कि यह मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का है। इंदौर आरटीओ में वीआईपी नंबरों की नीलामी गुरुवार को समाप्त हुई, और ये जो नीलामी हुई है ये ऑनलाइन तरीके से हुई है। आपको बता दें कि ऑनलाइन हुए इस ऑप्शन में 0001 नंबर 2.35 लाख, यानी 2,53,000 रुपए में बिके हैं। आरटीओ का कहना है कि इस ऐन मौके पे सर्वर डाउन हो गया, जिसके कारण से अंतिम समय में साइट पर बोली आगे नहीं बढ़ पाई, नहीं तो यह वीआईपी नंबर और अधिक दामों में बिका होता। और आपको ये बता दें कि इस नंबर को आशा कन्फेक्शनरी के नाम पर बेचा गया है। नीलामी में नई सीरीज MP09ZM के नंबरों को खोला गया था। इसके अलावा 0009 नंबर भी 1,58,000 रुपए में बिका है। तो आगे अब आपको बताएंगे हम कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं, और उनको 7 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 घोटाला मामले में सीबीआई केस में तिहाड़ जेल में बंद है। वहीं आबकारी नीति में ईडी भी उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी ने सिसोदिया को आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 17 मार्च तक ईडी की हिरासत में पुनः भेज दिया गया। ईडी ने कोर्ट से सिसोदिया की 10 दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी ने मनीष सिसोदिया पर आबकारी नीति मामले में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ईडी ने कोर्ट को बताया कि मनीष सिसोदिया ने दूसरे लोगों के नाम से सिम कार्ड और मोबाइल फोन खरीदे थे। सिसोदिया ने कुछ निजी कंपनियों को थोक व्यापार देने की साजिश के तहत नीति को लागू किया था, और आगे बताया कि निजी संस्थानों को थोक लाभ मार्जिन का 12% तय किया गया था। और यही नहीं, षड्यंत्र के समन्वय साउथ ग्रुप के साथ विजय नायर और अन्य ने किया था, और आगे दक्षिण ग्रुप के सदस्यों को आगे 9 क्षेत्रों का नियंत्रण किया गया, और इसकी मीटिंग मनीष सिसोदिया के घर पर हुई थी, जिस आरोप में इस समय मनीष सिसोदिया जेल में है। और आगे आपको बता दें कि किन गुर्गों के दो लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो वो गुर्गे हैं अशरफ के दो और गुर्गे गिरफ्तार हुए हैं। दोनों के मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। आपको बता दें,
बरेली जिला जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ के दो और गुर्गों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपितों में मीरगंज के परौर गांव के रहने वाले राशिद व बारादरी के मसूर नगर निवासी फुरकान का नाम शामिल है। पुलिस ने राशिद को पहले उठाया था, पूछताछ में उससे कई अहम जानकारियां हाथ लगी थी जिसमें फुरकान का नाम सामने आया था। फुरकान अशरफ का करीबी बताया गया जिसके बाद पुलिस ने उसे भी उठा लिया। दोनों के मोबाइल फोन को पुलिस ने जब्त कर लिया है जिसमें अशरफ के और करीबियों से बातचीत की बात पुष्टि हुई है। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दे कि मामले में दो आरोपी जेल का सिपाही शिवहरी अवस्थी व ऑटो चालक दयाराम उनसे पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। और अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्कूल है जिस स्कूल में 800 बच्चे भूखे पढ़ने को मजबूर हैं। आज जहां पे शिक्षा नीति निरंतर आगे बढ़ रही है, शिक्षा विभाग बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, शिक्षा को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा कौन सा स्कूल है जहां पे 800 बच्चे भूखे पेट पढ़ने को मजबूर हैं? जी हां, यह कारनामा बिहार शिक्षा विभाग ने कर दिखाया है। बिहार के शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मामला बगहा एक प्रखंड के उच्च माध्यमिक विद्यालय कोल्हुआ चौतरवा का है। अधिकारियों की अनदेखी के कारण स्कूल के 800 बच्चे मिड डे मील से वंचित हैं। कोल्हुआ चौतरवा के उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब 800 छात्र छात्राओं का नामांकन है। 31 जनवरी को स्कूल के प्रधान शिक्षक शंभूराम सेवानिवृत्त हो गए थे। इसके बाद आज तक वित्तीय प्रभार किसी शिक्षक को नहीं दिया गया। नतीजा यह हुआ कि सरकार की अति महत्वपूर्ण मिड डे मील योजना बाधित हो गई। तब से बच्चों की थाली सूनी पड़ी हुई है, इस ओर अधिकारियों का ध्यान नहीं है। स्कूल के बच्चे आज भी भूखे रहकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं, इस ओर विभाग के किसी अधिकारी का ध्यान नहीं जा रहा है। जबकि प्रभार ग्रहण करने के लिए अधिकारियों ने दो शिक्षकों के नाम से पत्र भी निर्गत किया है, लेकिन शिक्षा विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। बच्चों को भोजन नहीं मिलने से 800 बच्चे सहित उनके अभिभावकों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि किस हॉस्पिटल पे 86 लाख रुपए का जुर्माना लगा है और ये जुर्माना लगा क्यों है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरह के हॉस्पिटल वाराणसी जिले का ही मामला है। वाराणसी में ऐसा हॉस्पिटल है जिसके ऊपर 46 लाख रुपए का हर्जाना लगा है, लेकिन ये हर्जाना क्यों लगा है हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बता दें कि वाराणसी में इलाज में लापरवाही के कारण महिला के पैर खराब होने के मामले में राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बरेका रोड स्थित ओपल हॉस्पिटल और वहां के चिकित्सकों को जिम्मेदार माना है। आयोग ने गुरुवार को ओपल हॉस्पिटल और चिकित्सकों को आदेश दिया कि बतौर क्षतिपूर्ति 45 दिन में पीड़िता को 46 लाख रुपया प्रदान किया जाए। आपको ये बता दें कि वरुणा विहार कॉलोनी सिकरौल निवासी दमयंती सिंह की ओर से दाखिल परिवाद में सुनवाई करते हुए आयोग ने यह आदेश दिया है। दमयंती सिंह को हाइपोथायराइड की समस्या थी। फरवरी 2014 में उनकी पीठ और पेट में दर्द के कारण अल्ट्रासाउंड कराया गया। रिपोर्ट देखने के बाद 15 फरवरी 2014 को डॉक्टर प्रमोद कुमार राय ने ऑपरेशन की सलाह देकर बरेका रोड स्थित ओपल हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। वहां डॉक्टरों ने रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जिससे उन्हें दाहिने पैर में अत्यधिक पीड़ा हुई। इस पर चिकित्सकों ने एंथेसिया देने के लिए दोबारा रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन लगाया जिससे उन्हें पुनः पीड़ा हुई। ऑपरेशन के कुछ घंटे बाद होश आने पर दमयंती सिंह को दाहिने पैर में कोई शक्ति नहीं महसूस हुई और वो चलने में भी असमर्थ हो गए। काफी समय तक पैर का इलाज चला
लेकिन दाहिने पैर में दिव्यांगता कम नहीं हुई। कई दूसरे चिकित्सकों से भी इलाज कराने पर कोई लाभ में नहीं मिला। चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि एनेस्थीसिया का इंजेक्शन गलत तरीके से लगाया गया था, जिस कारण नर्वस सिस्टम पंचर हो गया है, जिससे दाहिने पैर बेकार हो गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने और पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आयोग ने हॉस्पिटल और वहां के चिकित्सकों को दोषी माना। बतौर हर्जाना 86 लाख रुपए पीड़िता को देने का आदेश दिया। इस बारे में अस्पताल के डॉक्टर प्रमोद राय का कहना है कि उन्हें आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। मिलेंगे इस तरह से कुछ खास खबरों में जो आपकी जानकारी बढ़ाएगा, आपको सतर्क करेगा। आपके जिले में भी हॉस्पिटल हैं, आपके क्षेत्र में भी शिक्षा विभाग हैं और तमाम प्रकार के विभाग हैं, जिससे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, अवगत कराते रहेंगे, जानकारियां प्रदान करते रहेंगे। तो आज मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसा लगा, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए हमें दे इजाजत, लेकिन आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पे। नमस्कार।